एक ऐसी गवर्नमेंट है जो अपने गरीब आवाम का ख्याल नहीं रख सकती। हम बाइकियाँ चलाने वाले परेशान हैं, हमें रोजी नहीं मिलती, हमें सवारी नहीं मिलती, हम इतनी ज़्यादा टेंशन में हैं कि हम जाते हैं काम के लिए मगर काम नहीं मिलता, रोडों पे बैठे रहते हैं। न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो इसी तरह से बेचारे रोजी के लिए निकलते हैं लेकिन उनको बिल्कुल ही रोज़गार नहीं मिलता। मैं पिछले 1 घंटे से अभी स्टॉप पर बैठा हुआ था, वहाँ पर एक सवारी नहीं मिली। मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हुई, अपनी गवर्नमेंट के ऊपर गुस्सा आया कि ये किस तरह की गवर्नमेंट है, ये किस तरह के हालात हैं, हमारी आवाम किस तरह जा रही है, लोगों के घर बार किस तरह से चल रहे हैं। ये बाइकियाँ चलाने वाला आज का जो नौजवान है, आज का जो काम करने वाला नौजवान है, वो किस तरफ जा रहा है? अगर बाइकियाँ चलाने से उसको रोज़गार नहीं मिलेगा तो फिर क्या करे भाई? वो वजन नहीं उठा सकता, काम नहीं कर सकता, सिर्फ बाइक चला सकता है, तो वो इस तरीके से रोजी कमाना चाहता है तो उसको भाई कोई मौके पैदा करो। अगर इस तरह से उसको सवारी नहीं मिलती है, उसके लिए कोई और आसान रोजगार पैदा करो। मैं परेशान हूँ अपने बाइकिया वाले भाइयों के लिए, इन ड्राइव चलाने वाले भाइयों के लिए, जो लोग बेचारे पूरा दिन रात बाइक के ऊपर धक्के खाते हैं, लोगों को सवारियाँ उठाते हैं, इधर से उधर ले जाते हैं, मगर इतनी कम उनको उजरत मिलती है, बहुत कम पैसा मिलता है, उनका गुजारा नहीं होता, उनके घर बारों में बिल्कुल खाना पीना मुश्किल हो गया इन लोगों का। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन है। मैं पार्ट टाइम चलाता हूँ, मैं दिन में कोई और जॉब करता हूँ, रात में ये बाइकें चलाता हूँ। मैंने नया हेलमेट 1200 रुपये का लिया, 1200 का हेलमेट लेके आदमी फिर भी उसके पैसे पूरे ना हो तो कहाँ जाए आदमी? ये कैसा पाकिस्तान है, किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान में? खुदा रहा, हमारी गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने नौजवानों को अच्छा रोज़गार दो, उनके लिए आसान रोज़गार पैदा करो। यहाँ पर रोज़गार बिल्कुल नहीं है, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। ये बाइकिया वाले, इन ड्राइव वाले और ये गाड़ियाँ जो चलाते हैं बेचारे टैक्सी, ये सब बहुत ज़्यादा परेशान है। ये वाला तबका जो है इंतहाई दबा हुआ तबका है, क्योंकि इन्होंने रोज़ कमाना है और रोज़ खाना है। अगर डेली इनकी कमाई नहीं होगी बेचारी कहाँ से खाएंगे? गवर्नमेंट इनको कोई अलाउंस थोड़ी दे रही है। यहाँ तो कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा करो, इस तरह के हालात पैदा करो कि इनको अगर काम ना मिले तो बेचारे इनके कोई आमदनी का कोई और तरीका पैदा करो कि इन बेचारों को उन रोज़गार मिल सके, ये लोग अपने घर में जाके सुकून से खा सकें, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजार सकें। बस यही मेरा छोटा सा मैसेज था। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन मिली मुझे, पूरे 1 घंटे में 1 भी सवारी नहीं मिली। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये बेचारे चलाने वाले किस तरह अपनी लाइफ गुजारते होंगे। बहुत सैड यार, वेरी सैड।